मेरे जेठ के लड़का ने जकील ने हमारे साथ बहुत गंदो काम करो है, और हम इसीलिए आए 3 दिन से हम आ रही हैं, हमने एप्लीकेशन 2 लिख के दे, मेरी कोई सुनवाई ना हो रही है और हमें पूरे घन्ने चिपट के मारो। हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग केजीएन इंडिया न्यूज़। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल फ्रेंड्स ऑन द चैनल। इफ स्टिल यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल देन फर्स्ट सब्सक्राइब इट और प्रेस द बेल आइकन, सो इन द फ्यूचर व्हेनेवर एनी ऑफ द नेक्स्ट वीडियो विल कम इट विल फर्स्ट गिव यू द नोटिस। और आपको बता दें, सिंधौली क्षेत्र की महिला ने लगाया है अपने ससुराल वालों पर, मर्दों पर आरोप ये लगाया है कि मेरे साथ बहुत गंदा काम किया। और इसके साथ साथ क्या क्या आरोप लगाया, महिला पहले थाने आती रही लेकिन थाने में उसका ये कहना है कि मेरी सुनवाई नहीं हुई। हालांकि महिला ने जिस अंदाज में अश्लीलता को बयान करा है वो अपने आप में कई सारे सवाल खड़े कर दिए। उस अश्लीलता ने जिस तरीके से महिला कह रही है बेधड़क, और अपने जेठ के साथ साथ उसके बेटे और किसके किसके ऊपर आरोप लगाया हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन महिला ने जिस अंदाज में बयान करा है वो अपने आप में एक बेहद शर्मिंदगी भरे अल्फाज हैं। क्या कुछ कहा महिला ने आप खुद ही सुनिए। मेरे जेठ के लड़का ने जकील ने हमारे साथ बहुत गंदो काम करो है, और हम इसीलिए आए 3 दिन से हम आ रही हैं, हमने एप्लीकेशन 2 लिख के दे, मेरी कोई सुनवाई ना हो रही है और हमें पूरे घन्ने चिपट के मारो। अकील, जकील और वकील, इनके तो सब कहाँ आई थी आप? हम ये थाने आए हैं, मेरी कोई सुनवाई नहीं, दरोगा जी ने मुझे कमरा से भगाए दो। क्या कहा दरोगा जी ने? अभी दरोगा जी ने कही तो हमने की रिपोर्ट, मेरी चाहती रिपोर्ट लिखा, उन्होंने मेरी रिपोर्ट ही ना दरोगा जी ने लिखी है। अब हम यहाँ बताओ आत्महत्या कर लें, यहाँ बताओ यहाँ पर धरना पर बैठ जाएं, क्या करें? तो अगर तुम्हें न्याय नहीं मिलता है तो क्या आगे करेंगे हम? क्या करें, हम तो इंसान मांग रहे, इंसान मांग। देखो हमारे जेठ के लड़का ना जकील ने, हम अंदर लेटे थे, हमारे साथ छेड़खानी करी बहुत ज़्यादा। जब वो अपने घर में हमारी छत उनकी छत तक वो चिल्लानो तो बाकी लोग, उसके भाई ने जकील, अकील और वकील ने हमें बहुत ज़्यादा मारो सब ने चिपट के। जब हम यहाँ 3 दिन से दौरे थी, हमने दुबई भी कैसे लिख किया था, मेरी कोई सुनवाई ना यहाँ पर हुई गई, तो दरोगा जी ने इतने पैसा खा ले हैं यूँ, तो भाई अब हमें उन्हें भगा दो है। कहाँ से भगा दिया? अपने देखो थाने से, कमरा से। मुझे अगर आपकी यहाँ सुनवाई नहीं होती, मेरी कोई सुनवाई यहाँ पर ना हो रही है, तो आप क्या करेंगे? हम कहीं कहा उनके ऊपर, चारों तीनों भैया के ऊपर वो करना। मेरा नाम सियाराम। ये क्या मामला है? बकरी बेच रहे हैं। बेच रहे हैं जी? कितनी कीमत? कीमत 27 लाख रुपए। क्या खासियत क्या है? खासियत इस पे अल्लाह भी लिखा हुआ है और मोहम्मद भी लिखा हुआ है, 786 भी लिखा हुआ है, पूरी तकती लिखी हुई है, यानी 15 इस पे आते हैं। इसकी कोई कीमत नहीं, ये लाकीमत बकरी है। सो फ्रेंड्स, इफ यू वॉन्ट टू सी दिस काइंड ऑफ फैक्ट्स इन फ्यूचर, please subscribe to our channel and watch the latest videos by liking it and pressing the bell icon.